अभी कुछ देर पहले हम लोग एक टॉपिक को खत्म किया जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आता है चार्ज, और उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, इसको बोलते हैं चार्ज या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब होता है कोई भी बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब कोई भी वस्तु है उस पे किस तरह का चार्ज होता है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ये कहता है द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो इजाद करने का काम, इजाद मतलब सर्च करने का काम कुलोम्ब ने किया था, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इसको ऐसे बोलते हैं इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट कुलोम्ब। इसको डिनोट भी किया जाता है, तो हम लोग फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसको डिनोट से करते हैं। डिनोट इसलिए करते हैं कि क्योंकि जो टॉपिक्स का नाम जो होता है उतना बड़ा बड़ा होता है, बड़ा हम हर जगह नहीं लिख सकते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसको डिनोट करते हैं। डिनोट कहने का मतलब सूचित करते हैं, इंगित करते हैं, दिखाते हैं उसको। इट इज डिनोटेड बाय कुलॉम, कुलॉम में थोड़ा सा बड़ा बनाता है तो कुलॉम को ऐसे सी लिख के हटा देते हैं, सी लिख के छोड़ देते हैं, तो जहां कहीं भी कुलॉम होगा तो वहां सी से इंडिकेट कर देंगे कुलॉम, ठीक है। इसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज कुलॉम, यहाँ पर भी हम कूलॉम का बदला सी लिख सकते हैं या कूलॉम लिख देंगे। इट्स सेजियस यूनिट इज स्टेप कूलॉम, इसको हम लोग एससी भी बोलते हैं, एससी स्टेप कूलॉम को एससी बोलते हैं। अब इसको बारीकी से समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टी। एलिमेंट्री पार्टी जो होता है कोई भी बॉडी का जो हिस्सा होता है उसका भाग होता है उसी को हम लोग एलिमेंट्री पार्टी बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा पहले गिरता पड़ता है उसके बाद चलना स्टार्ट करता है, तो उसका वो गिरना पड़ना जो होगा वो उसका बेसिक पार्टिकल हो गया। उसका बेसिक क्या हो गया, बच्चा का पार्टिकल हो गया, मतलब बेसिक उसका गुण हो गया, ये समझ में आ गया। उसके बाद चार्ज को देने का काम, मतलब चार्ज को सर्च करने का काम कुलोम्ब ने किया था, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट। इसके बाद इसको डिनोट जो करते हैं वो कुलोम्ब से करते हैं, जिसे सी लिखते हैं हम। उसके बाद इसका एसआई यूनिट कहने का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है। एसआई कहने का मतलब होता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसको डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं। उसके बाद आता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस कहने का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब ये जो होता है छोटा यूनिट है, जो पहले प्रयोग में पहले प्रयोग किया जाता था लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता। अब किसका प्रयोग होता है, अब एसआई यूनिट का प्रयोग होता है। कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग होता है हर जगह दुनिया के तमाम भाग में, तमाम कोना में, कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना हो वहां पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
में डॉट यूनिट का प्रयोग होता है, दैट इज एसआई यूनिट का प्रयोग होता है। उसके बाद सीजीएस में इसको स्टेट कूलम्ब बोलते हैं। स्टेट कूलम्ब इतना ना लिख करके, ये इतना बड़ा होता है स्टेट कूलम्ब, इतना ना लिख करके इसी जगह पे लिखा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे उसके बारे में, वो स्टेट कूलम्ब। एसी कहने का मतलब स्टेट कूलम्ब होता है। 1 2 3